हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो जो है ना, ये एक वीडियो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है निकू सुमित ऑफिशियल चैनल और कामिनी सिंह के, जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी, जो एक दूसरे को वो रिप्लाई दे रहे हैं। आज तो सुमित जो है वो अपनी मम्मी को भी ले आए हैं वीडियो में। तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि आप लोग एक ही परिवार में रहते हो, एक ही घर में रहते हो, तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर वीडियोस बना के अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर में बैठकर वो प्रॉब्लम जो है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसका आप घर पे बैठ के, परिवार में बैठ के, अपने मम्मी पापा के बीच में बैठ के, अगर आप लोग दोनों भाई जो है ना, आप बोलते हो कि हम लोग अपने मम्मी पापा की इज्जत करते हैं, बहुएं भी बोलती हैं इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे लेके आना ये गलत बात है। अगर आप वाकई में इज्जत करते हो तो आप दोनों भाई और जो दोनों कामिनी और निक्की, दोनों को चाहिए कि आप उसी माँ बाप के बीच में बैठकर, जिनकी आप बोलते हो कि इज्जत करते हैं, उनके बीच में बैठकर आप उनके साथ बात कीजिए, अपने दोनों भाई आपस में बात कीजिए, दोनों कामिनी और जो निक्की है आपस में बात कीजिए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, है ना। ऐसे सोशल मीडिया पे रिप्लाई दे के ऐसे कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस तरह से आप लोग रह रहे हैं या इस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि सुमित ने बोला कि एक ही किचन रहेगा जब तक मैं हूँ इस घर में या मेरे माँ बाप है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो घर में कोई सुख चैन है जिस घर में हमेशा प्रॉब्लम रहती हैं। इससे अच्छा है कि आपके दो किचन हों, वो ठीक है, लेकिन आप प्यार से रहें। घर मंदिर है अगर सभी लोग उसमें प्यार से रहते हैं, अगर आप, लेकिन अगर एक ही फैमिली में रहकर आपकी वाइफ जो हैं या आपके भाई भाई जो हैं, चलो जो निक्कू है या फिर निक्की है या फिर कामिनी है, वो तो अलग अलग परिवार से आई हैं, लेकिन यहाँ पर दो भाइयों की आपस में नहीं बन रही है, तो वहाँ पे एक साथ रहना सही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अलग हो के लेकिन प्यार से रहो, है ना। और दूसरी बात है कि आप थोड़े दिनों के लिए यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालो, यूट्यूब पे वीडियो ना डाल के आप फैमिली में बैठ के एक महीना डेढ़ महीना अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट करो, उसके बाद आप लोग वीडियोस बनाओ, है ना। आप अपनी परिवार की, आपकी जो आपके पापा हैं मम्मी हैं, उनकी इज्जत है ना, दोनों लोगों ने बोला कि वो अपनी इज्जत को बहुत ज़्यादा मतलब आगे रखते हैं, तो अगर उनकी इज्जत है तो आप सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हो, सारी दुनिया को दिख रहा है, पता चल रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी इज्जत का, है ना। अगर आप लोग सच में अपने माँ पापा की रिस्पेक्ट करते हो, और निक्की और कामिनी बोलते हैं कि हम लोग अपने फादर इन लॉ से बहुत डरते हैं, अगर वाकई ये लोग डरते हैं तो आप वीडियो बना के नहीं डालोगे, है ना, वीडियो बना के नहीं डालो। हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने जो पर्सनल मैटर हैं उनको पर्सनल ही रखो, अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो फैमिली में बैठकर बात करो, ऐसे सोशल मीडिया से कुछ टाइम का ब्रेक लेके अगर आपकी फैमिली की इज्जत बचती है तो आप अपनी फैमिली की इज्जत देखो पहले। और दूसरी बात, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ना, वो हुई है कमेंट्स की वजह से, है ना। तो कमेंट्स जो हैं वो यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिया होता है हाइड करने या डिलीट करने, आप उन कमेंट्स को डिलीट कर दो, क्योंकि ये तो यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप वीडियो बना के डालोगे, लोग तमाशा देखेंगे, कोई भी आपकी यहाँ पे वो नहीं करेगा कि आपके बीच में आके और वो आपकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कर देगा कि चलो इनका समझौता करवा दे। वो आपको, दोनों भाइयों को समझदारी से काम लेना होगा और समझदार बन के वीडियो नहीं अपलोड करो और बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। आप बोलते हो कि हमारे मम्मी पापा हैं, उनकी तबीयत ख़राब ना हो, उनको ऐसा ना हो, वैसा ना हो, तो आपको सोचना चाहिए ना, ये वीडियोस भी तो आपकी वो देखते होंगे ना, तो उनको कितना बुरा लगता होगा कि हमारी घर के बहुएं या बेटे सोशल मीडिया पर बस अपनी अपनी इज्जत को लेके बवाल कर रहे हैं, है ना। तो ये बात गलत है, आई थिंक आप समझोगे ये बात अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाती है। तो थैंक यू।